nutrition in animals. And we already discussed about how many steps of nutrition in animals. अपन ने बात कर ली है कि जो nutrition होता है animals के अंदर उनकी 5 steps होती हैं, ठीक है? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. उसके बाद में अपन ने nutrition in amoeba को भी देखा है और अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, digestive system in humans. Digestive system in humans. Okay. तो इसमें अपन ने सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो कौन सा है, माउथ, जिसको आप बकल कैविटी भी बोल सकते हो. Between the root and crown.
वाइट पार्ट होता है, इसी वजह से जब ह्यूमन की क्या होती है, डेथ होती है, तो उस टाइम पे ये जो टीथ हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, जो टीथ हैं उस टाइम भी बच जाते हैं, ओके, ये बर्ड नहीं होते, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो वाइट पार्ट होता है जा के ऊपर का, ये कौन सा पार्ट हो गया, इनेमल हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे डेंटिंग, ठीक है, ये जो डेंटिंग पार्ट है ये आपको पता है, ये तो इसका क्या हो गया, वाइट पार्ट हो गया, जो क्या है, इनेमल। इस पार्ट के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, जो कैविटी होती है वो क्या होती है, जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डेंटिंग पार्ट होता है। और ये जो डेंटिंग पार्ट है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे फिर अपन देखेंगे, ये इसका क्या हो गया, डेंटिंग पार्ट हो गया। डेंटिंग पार्ट के नीचे अपन देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कैविटी होती है, ठीक है। जो टीथ है डेंटिंग पार्ट के जस्ट नीचे क्या होता है, कैविटी होती है, और इस कैविटी को अपन क्या कहेंगे, पल्प कैविटी। तो इसका देखो जो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया इनेबल, सेकेंड हो गया डेंटिंग, और थर्ड हो गया पल्प कैविटी, ठीक है। ये जो पल्प कैविटी है ये क्या होती है, डेंटिंग, डेंटिंग के नीचे का पार्ट होता है। और ये जो पल्प कैविटी है इसके अंदर क्या होती है, जो नर्व और ब्लड सप्लाई करने की जो बोन्स है वो होती है, ठीक है, नर्व्स होते हैं, और Thank you.
Saliva, bacteria और sticky containing food है उन तीनों को मिलाकर जो येलो इसमें से मटेरियल जो बनता है जो आपके टिथ हैं उनसे स्टिक रहता है ठीक है तो वो जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे अपन प्लाक ठीक है इनको क्या कहेंगे अपन प्लाक कहेंगे ठीक है और ये जो प्लाक है ये प्लाक हो गया और ये जो प्लाक है ये क्या करता है मतलब जहाँ भी आपका ये जो क्राउन है और रूट है इन दोनों के बीच में अगर स्पेस हो जाता है तो ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ आके आपके स्टिक हो जाते हैं और उस वजह से क्या बनता है प्लाक बनता है तो प्लाक बनने से तो ये जो प्लाक है वो क्या करता है ये शुगर एंड स्टार्च Talk about them in art.